साइंटिस्ट के हिसाब से पूरे विश्व में विभिन्न प्रजाति के पशु पक्षी पाए जाते हैं, यह तो हम सभी जानते हैं। और सभी का अपना एक अलग महत्व होता है और उनमें से कुछ अपने रंग, मधुर आवाज़ और आकार के लिए भी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम दुनिया के कुछ ऐसे अजीबोगरीब जीवों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आपने पहले ना कभी देखा होगा ना ही उनके बारे में सुना होगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 7, ओकापी। ओकापी अफ्रीका के इटूरी वर्षा वन, जो कि मध्य अफ्रीका के कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में पाया जाने वाला एक जीव है। यह जिराफ का सबसे करीबी रिश्तेदार होता है। ओकापी का पहला भाग गहरे भूरे रंग का होता है और इसके पैरों में अद्भुत सफेद काली धारियां होती है, जिससे दूर से देखने पर यह बिल्कुल जेब्रा की तरह ही दिखता है। और इतना ही नहीं, इसके शरीर की बनावट जिराफ जैसी होती है सिवाय इसकी लंबी गर्दन के। ओकापी और जिराफ दोनों की जीभ लंबी होती है जो नीले रंग की होती है और जिसकी मदद से वह पेड़ों की कोमल पत्तियों को खाते हैं। नंबर 6 पे आता है सुबिल। सुबिल अफ्रीका के सूडान और जाबिया में पाई जाती है और इसे इंग्लिश में सुबिल और अरबी में अबू मरकब कहते हैं। अबू मरकब का मतलब होता है जूते के साथ और इनकी चोंच जूते के आकार की होती है, इसी वजह से इनका नाम सुबिल पड़ा है। सुबिल एक बड़ी चिड़िया है और इसका वजन करीब 8 किलो तक का होता है। इसे साफ पानी के पास रहना पसंद है क्योंकि मछलियों का शिकार करना इन्हें पसंद होता है, इसलिए यह अफ्रीका के उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ नदी के पास जंगल हो और उस नदी में बहुत सारी मछलियाँ हों। नंबर 5 में है थ्रोनी ड्रैगन। थ्रोनी ड्रैगन उन खास प्रजातियों में शामिल है जो भीषण गर्मी में भी अपने आप को जिंदा रख सकते हैं। ऐसे जानवर सहारा के रेगिस्तान से लेकर थार के मरुस्थल में आसानी से जिंदा रह सकते हैं। अगर थ्रोनी ड्रैगन की बात करें तो यह छिपकली ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में रहती है जहाँ का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, लेकिन इतने गर्म रेगिस्तान में भी यह छिपकली आसानी से जी लेती है और इसके शरीर पर नुकीले कांटे भी होते हैं। यह मौसम के हिसाब से खुद को बदल सकती है। नंबर 4 पर आता है इंडियन पर्पल फ्रॉग। दोस्तों, आपने इस तरह का इंडियन फ्रॉग पहले कभी नहीं देखा होगा। भारत में पाई जाने वाली मेंढकों की प्रजातियों में यह सबसे विचित्र प्रजाति है। इसका शरीर अजीब सा मोटा होता है, इसे मावेली कहकर भी बुलाया जाता है और मेंढकों की करीब 138 प्रजातियां यहाँ मौजूद हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार डीएनए सबूत से पता चला है कि पर्पल फ्रॉग 130 मिलियन पुराना और डायनासोर के काल का जीव है और ये साल भर धरती के अंदर रहते हैं और मानसून के दौरान सिर्फ 2 सप्ताह के लिए बाहर आते हैं, वह भी संभोग के लिए। नंबर 3 पे आता है पाकू मछली। पाकू मछली को दुनिया का सबसे दुर्लभ, अजीब और खतरनाक मछली माना जाता है। पाकू फिश को बाल कटर या नट कटर भी कहा जाता है। पाकू मछली के दांत बिल्कुल इंसानों जैसे होते हैं। यह जब मुंह खोलती है तो वह इंसानी मुंह जैसा नजर आता है और ये अपने शिकार को कभी भी काटने से चूकते नहीं है। नंबर 2 पे आता है ब्लू पैरट फिश। ब्लू पैरट फिश नीले रंग की यह मछली अटलांटिक महासागर में पाई जाती है और इस मछली का मुंह तोते की तरह नुकीला होता है, इसी कारण से इसे तोता मछली के नाम से भी जाना जाता है और ये मुख्य रूप से उन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ समुद्र तल में मूंगे के पहाड़ यानी कोरल रीफ होते हैं। नंबर 1, ग्लोबिंग शार्क। ग्लोबिंग शार्क लगभग पूरी दुनिया में पाया जाता है। यह समुद्री सतह से 100 मीटर की गहराई में रहती है और यह शार्क लोगों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाती। और इस शार्क की खास बात यह है कि इसका मुंह बहुत ही अजीब होता है, ऐसा लगता है कि इसका सिर गेंडे के सिंह के समान है, इसलिए यह अन्य शार्क मछलियों से भिन्न है। तो ये थे दुनिया के कुछ दुर्लभ अजीबोगरीब जीव। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करेगा। तब तक के लिए गुड बाय।